بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دعاء برلجي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم जी हमारा सबक हो गया था अलहदुल्ला दमे दमे सही और दमे फासद तक और हमने उसको अच्छे से समझ लिया और माशाला आप हजरात ने जो सवालत किए उन सवालात से बहुत से साथियों ने सवाल किए लेकिन बहुत से साथियों ने सवाल नहीं किए तो जहन में रखें कि जिन्होंने सवाल नहीं किए वो जब तक सवाल नहीं करेंगे वो मसले को हल नहीं कर सकते और न सिर्फ ये कि मसले को हल नहीं कर सकते बल्कि वो आगे मायूस हो जाएंगे आ, ये समझेंगे कि हमें आ, ये समझ आ ही नहीं सकता हालांकि दो दो चार का मसला है इसके अलावा कुछ भी नहीं बहुत आसान चीज़ है हम इसको समझेंगे क्योंकि आगे मज़द कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आज हम तोरे सही तोरे फासिद पड़ेंगे दमे सही दमे फासिद के अंदर तो बड़ा आसान सा मसला है लेकिन तोरे सही तोरे फासिद के अंदर मसला मसला ख़राब हो जाता है गड़बड़ हो जाता है अगर आपने सबक नंबर एक की तमरीन नहीं की है तो आप यकीन कीजिए आपको समझ में नहीं आ सकता आप आगे किस तरह बढ़ेंगे और ये तमरीन इंतहाई जरूरीसाइज के बगैर आप पूरी क्लास अटेंड कर लें मैथ्स की और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन हल ना करें तो आपको जैसे समझ में नहीं आ सकता इसी तरीके से अः हैज क्या को भी गिनती के बगैर आपको समझ में आ ही नहीं सकता और ये मसले इतने अहम है कि इनका ताल्लुक तमाम मसाइल से है इसका ता, हज से इसका नमाज से इसका रोजे से इसका, से, इसका आ, आगे आने वाले निकाह से है इसके बगैर आप मसले हल कर नहीं सकते मैं इसकी अहमियत की तरफ नहीं जाऊंगा अहमियत अगर मुझे बतानी है अहमियत अगर मुझे बतानी है तो डेफिनेटली मैं आपको ग्रुप में वॉइस मैसेज करूंगा और अहमियत के हवाले से इनशा हम करेंगे भाई हमारे बाज़े साथियों की तरफ से ये पैगाम आ रहा है कि आ, उनको आवाज़ नहीं आ रही तो आवाज़ मुझे बताइए आप सब हजरात को मेरी आवाज़ आ रही है जी आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही, है, आवाज आ रही है। आप अपना माइक चेक कर लें गिब जब आप सबक शुरू करते हैं तो गॉट इट या गो इट की के ऊपर क्लिक करना पड़ता है तो तब वो समझ में आता है अभी जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही तो वो दोबारा री लॉग कर लें री लॉग करेंगे तो इंशाल्लाह क्लिक करते जाएंगे तो आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया है इंशाल्लाह आगे भी तरफा को समझ में आ जाएगा तो हमने कल हमने दमे फासित पढ़ लिया था आज हम आज हम पढ़ेंगे तोहरे सही तोहरे फासिद तोहरे सही तोहरे फासिद एक लिहाज से मुश्किल है और एक लिहाज से आसान है जब तक हम इसको करेंगे नहीं तो ठीक है तोहरे सही शुमार होगा जी सारा तोहरे सही शुमार होगा आ, हम आपने माशाल्लाह सवाल की तरफ तोजह दिलाई है ये आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है जिसके ऊपर मैंने सवाल हल किए Uh, डॉक्टर साहब uh, माशा हमारे डॉक्टर साहब अल्लाह ताली इनको जो है ख़ैर दे जहन आदमी है और अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे हैं जहाँ मुझे मसाइल के हवाले से परेशानी होती है मैं इनसे रुझू करता हूँ uh, देखें uh, इसके दरम्यान ये नौ दिन uh, नफास् के जो मसाइल हैं नौ दिन नौ दिन बारह घंटे पचास मिनट ये जो है नौ दिन बारह घंटे पचास मिनट ये नफास ठीक है नफाज के दरमियान ये जो वक्त है चूंकि मजमुआ चालीस से कम है मजमुआ चलिए ये तो पंद्रह से मजमुआ चालीस से कम है मजुआ चालीस से कम है क्योंकि निफास है तो अब पंद्रह से ऊपर हो गया तब भी ये आ, ये जो है ये तोहर इसके अंदर जो तोहर है वो तोहरे फिर कहलाएगा कि चालीस दिन से कम है जब चालीस दिन से कम के अंदर अंदर बंद हो गया तो वो मसला है ये वो मसला है जो हमने कल सबसे आखिर में डिस्कस किया था आ, बात कल क्लियर हो चुकी थी आ, अगर आज इसके हवाले से कुछ समझना हो तो मैं इनशाला इसको दोबारा देख लेंगे। तो ये फिलहाल ये आ, इसके अंदर ये देखिए सवाल नंबर पांच के अंदर इक्कीस दस पंद्रह है सवाल डॉक्टर साहब का बहुत अहम है आ, इसको समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पर इक्कीस दस अड़तालीस है या छब्बीस दस अड़तालीस है अब हमने हद पंद्रह दिन की रखी हुई है जब हमारी हद पंद्रह दिन की है तो अब ये तोहरे सही कैसे हो गए नहीं ये तोहरे फासिद है वजह इसकी है कि ये चालीस दिन के अंदर अंदर है और नफास्त के अंदर यही मामला होता है अच्छा सवाल आपने उठाया और अच्छी चीज आपने सामने लाई तो ये ऐसी चीज है उम्मीद है समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर सवाल करें हम इनशा उस सवाल को डिस्कस करेंगे हमें कोई जल्दी नहीं है मेरा टारगेट है सात दिनों का मैंने आपको दस दिन के लिए पहले जहनी तौर पर तैयारी इसलिए की है ताकि अगर दरम्यान में सवाल आ जाते हैं लंबे हो जाते हैं तो हम देख लेंगे नहीं तो इनशाला हम दस दिन के अंदर अंदर इस सारे को इस और ग्ला उस समेत इनशा सारा पढ़ लेंगे किसी दर्जे की कोई परेशानी नहीं होगी यह कि आप सवाल साथ साथ हल करते रहें तो अः आप लोग आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं जहनी तौर पर तैयार हैं आगे हम बिस्मिल्लाह करें तौहर तो के हवाले से चलें जी कोई पीछे की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं आपका ग्रुप में किया हुआ सवाल दूसरों के लिए भी मुफीद और फायदेमंद होगा ग्रुप में सवाल कर सकते हैं वॉइस मैसेज कर सकते हैं पूछ सकते हैं अपना जो ड्राइंग बनाई है आपने एक नक्शा बनाया उसकी तस्वीर बना के पूछ सकते हैं आ, तो इनशाला आसानी होगी इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं होगी खुवान के ग्रुप में मैंने ए, हमारी एक आलिमा है मैंने उनसे बात करी थी इनशाला देख के आ, वो चेक करती रहेंगी मुझे मौका हुआ तो मैं चेक करता रहूंगा ये सब चीज़ हो जाएगी तो देख लीजिए जनाब अब हम अब हम बिस्मिल्लाह करके तोहर को शुरू कर रहे हैं तोहर जैसे हमने पहले पढ़ा कि तोहर की दो किस्में हैं, तोहरे सही हो तोहरे फासिद हो तोहर की दो किस्में तोहरे सही तोहरे फासिद। फासद हम क्यों पढ़ें ये पढ़े सही तोरे, तोरे, सही, तोरे को? अब कभी तोहर भी फासिद होता है ऐसे बिला वजह की बात कर रहे हैं जी हाँ तोहर भी फासिद होता है तोहर भी सही होता है देखें जब हम एक मुबदया को मतादा के हुक्म में लेकर जाएंगे तो उसके लिए ये चीज पता होना जरूरी है और मुबतदिया कौन सी औरत होती है जिसको पहली मरतबे खून है ये मुबतदिया होती है मुख्तसर अंदाज में मुख्तर और मतदादा वो जिसकी आदत बन चुकी हो ठीक है अब मुबतदिया भी दो तरह की होती है मतादा तीन तरह की होती है वो हम पढ़ेंगे कुछ घबराने की बात नहीं लेकिन औरत को पहली मरतबा खून है और फिर दूसरी मरतबे जब खून है तो वो तो मुतादा हो चुकी है तो मोताजा के अहकाम को फिक्स करने के लिए हमें दमे से ही दमे फासद तौर से ही तौरे फासिद का पता होना जरूरी है यानी ये औरत ये जो औरत है ये जो औरत है जब ये मुबतदया थी उस वक्त तो इसके अहकाम और थे लेकिन ये यही औरत जब मोतादा बनेगी तो मोतादा के लिए दमे सही मोतादा के लिए दमे से ही दमे फासद तोरे से ही तोरे फासिद ये अंदर फर्क होना जरूरी है इसके बगैर हम किसी औरत को मतदा बना नहीं सकते और दस साल नौ साल बारह साल की बच्ची को जब पहली मरतब खून आता है तो उस वक्त वो मुबदा होती है उसके बाद वो मुस्तला मुतादा बन जाती है अब जब तक हम मतादा के बारे में नहीं समझेंगे नहीं सीखेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते तो लिहाजा अब मतदादा किस तरीके से अपनी आदत को नोट करती है आ, वो वो भी हम समझेंगे सीखेंगे आ, आप लोगों आप लोग साथ साथ रहेंगे तो इनशाला एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी चले जी आए हम तोहर की तरफ दमे सही दमे फासिद की हमें पहचान होगी अब तोहरे सही तोहरे फासिद की भी हम पहचान करते हैं अब तोहरे सही तोरे फासिद को तो हम पहले भी समझ चुके हैं चुके हैं लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे अभी ताकि बात समझ में देखें तोहरे सही वो होता है जिसमें तीन बातें जिसमें तीन बातें हों वो तोहरे सही होता है अगर तीन, तोरे सही तोरे सही तोरे। होता है में तीन में से एक बात भी नहीं है तो वो तोहरे सही नहीं है समझ रहे मेरी बात तोहरे सही वो होता है जिसमें तीन बातें हों तीन में से एक बात भी नहीं है तो वो तोहरे सही नहीं है ये बात समझ में आ गई जी ये समझ ले हेडिंग है ये समझ ला है यानी अब आप हजरात में चाहूंगा कि आप इसको अपनी ताबीर के अंदर चैट बॉक्स में लिखें आ, उससे ये होगा नंबर एक दिलचस्पी रहेगी नंबर दो ये है कि आप गजबर भी होगा तोरे सही वो होता है जिसमें तीन बातें हों अगर तीन में से एक बात भी नहीं है तो वो तोरे सही नहीं है चुनाचे तोरे फासिद है इसको लिखें और लिख के मुझे बताएं तोहरे सही वो जिसमें तीन बातें तीन में से एक भी नहीं तो वो तोहरे सही नहीं है लाही लाही ला। मैं आपके जवाब का इंतजार करूं क्योंकि पिछले सबक में हमारे साथी सवाले से कंफ्यूज हो गए थे बात समझ नहीं पाए थे ये थ्योरी है अगर प्रैक्टिकल जब आएगा तो इसकी मश्क हो जाएगी और मश्क के बाद ये कोई मसला ही नहीं रहेगा हाँ जी तोरे सही होने के लिए तीन शर्तें हों अगर एक शर्त भी ना हो तो, तो तोरे सही नहीं माशाल्लाह तोरे सही वो जिसमें तीन बातें हों अगर एक बात भी ना हो तो तोरे सही नहीं होता माशाल्लाह तकरार कम से कम तीन दफा होना चाहिए तीसरे बंदे का जवाब आएगा तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ जाऊंगा तोरे सही वो जिसमें तीन बातें अगर एक भी ना हो तो तोरे तोरे सही के तीन तीन अज्जा तीन में तीनों को मरक्ब तौरे सही होगा वाह भाई वाह ये बड़ी बेहतरीन ताबीर बेहतरीन ताबीर तोरे वो जो के जिसमें तीन बातें हों देखो ये बड़ी खूबसूरत ताबीर है एक कुछ ताबीर ऐसी होती हैं अल्लाह ताला ने नवाजा होता है कुछ लोगों को देखें मौलाना शफफाक साहब आपने बेहतरीन ताबीर की तौरे सही के तीन अज्जाए तीनों को मरकब तौर सही होगा वाह 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 माशा अब आइए जनाब तौरे सही की जो तीन बातें सबसे पहली पंद्रह दिन हो पंद्रह दिन हो तो तोहरे सही पंद्रह दिन नहीं तो तोहरे सही नहीं किसी औरत को चौदह दिन तेईस घंटे तेईस मिनट तेईस मिनट तोहर रहा उसके बाद एक कतरा खून आया तो ये तोहरे सही नहीं रहा यानी पंद्रह दिन मुसलसल पाकी रहनी चाहिए तब वो तोहरे सही होगा जी वाला साद साहब माशाल्लाह अब आखिर में जवाब देते हैं लेकिन जवाब आपका बहुत बेहतरीन होता है देखिए तोहरे से ही ये तोहरे से ही ये कि पंद्रह दिन ये पहली शर्त है ठीक है पहली शर्त है पांच दफा हमारे पास तोर बीस दिन का होगा बीस दिन का हो लेकिन वो तोरे से ही नहीं होगा लेकिन ये पहली शर्त है कि कम अज कम पंद्रह दिन होना चाहिए पंद्रह दिन और एक मिनट का तोहरा ये तोहरे सही है ठीक है ये एक शर्त है चुनाची एक औरत को तीन दिन खून आया और उसके बाद सोलह दिन पाक रही उसके बाद तीन दिन खून आया ठीक है तो ये तोहर जो है वो तोहरे सही है समझ रहे मेरी बात को ये तोहर तोहरे सही है इसी तरीके से हम अगले सवाल पे जाए एक औरत को पांच दिन अठारह घंटे तेईस मिनट खून आया उसके बाद अठारह दिन पाक रही ठीक है उसके बाद छह दिन पंद्रह घंटे छब्बीस मिनट खून आया तो ये क्या होगा जी अठारह दिन का तोहर क्या होगा तोहरे सही ये तोहर बन सकता है ये तोहरे सही है इसका फायदा क्या होगा मुहतादा में पड़ेंगे इनशाला तोहरे सही है ठीक है जी बात समझ में समझ में आ गई ये पहली शर्त हो गई एक एक शर्त यह होगी शर्त नंबर दो अच्छा जी पंद्रह दिन से कम है तो वो तोरे फासिद है। 14 दिन तेईस मिनट तो तोहर तो है लेकिन तोहरे फासिद है अब तोरे फासिद का क्या मतलब है वही वह देख लेंगे तोरे फासिद का क्या मतलब है समझ ले जी मेरी बात बात होगी आगे चले शर्त नंबर दो शर्त नंबर दो शर्त नंबर दो की तरफ बढ़ रहे हैं दमे सही के दरमियान हो दो दमे दो दमे सही के दरमियान हो एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए तो uh, दो दमे सही के हो। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया दमे सही आप जानते हैं क्या होता है दमे फासिद भी आप जानते हैं क्या होता है इसको अब हजम करते हैं दो दमे सही के दरमियान। हमने ये वाली मिसाल पढ़ी आपके सामने तीन दिन का खून दमे सही है दमे फासिद है दमे सही है सात दिन का खून दमे सही है दमे फासिद है दमे सही है ठीक है जब सात दिन का खून दमे सही है तीन दिन का खून दमे सही है और दरम्यान में सोलह दिन का फासला है तो ये जो तोहरा ये तोहरे सही रहेगा ठीक है जी ये तोहर तोहरे सही रहेगा दो दमैन सही हैन के दरमियान हो दो दमैन सही हैन के दरमियान हो दो दमैन सही हैन के दरमियान हो देखें पांच अठारह तेईस ये दमे सही है इसमें दमे फासिद होने का कोई अंसुर नहीं है दमे फासिद क्या होता है दमे फासिद ये होता है ग्यारह दिन अठारह घंटे तेईस मिनट खून आया ठीक है अब इसके अंदर इबा के दस दिन तो दमे सही है लेकिन एक दिन और अठारह घंटे और तेईस मिनट दमे फासिद है ये दम फासिद आ गया इसने अठारह दिन के तोहरे सही को तोहरे फासिद कर दिया समझ रहे जी मेरी बात अठारह दिन के तोरे सही को तोरे फासिद कर दिया तो ये दो दमैन सही है ये भी दमे सही है लेकिन ये क्या आ गया दरम्यान में दमे फासिद आ गया जब दरम्यान में दमे फासिद आ गया तो क्या हो गया ये तोहर तोहरे फासिद बन गया ये बात समझ में आ गई दमैन सही है इनके दरम्यान दमैन सही है इनके दरम्यान समझ में आ गई है बताइए मैं आगे बढ़ूं ठीक है हाँ अब हम अब हम इसका, इसका इज़रा करते हैं सवाल लिखिए है। मुब्तदिया बिन निफास मुब्तदिया बिन छोड़े औरत को विलादत हुई विलादत हुई और विलादत के बाद छब्बीस दिन 26 दिन खून आया ठीक है उसके बाद इसको 15 दिन तो हो रहा ठीक है और उसके बाद इसको आठ दिन खून आया ठीक है दोबारा रिपीट करें करता हूं जी मैं कह रहा हूं दमैन सही है दरमियान हो दो दमे सही के दरमियान हो देखिए 26 दिन निफ़ास है इसमें 15 को जमा किया 26 जमा 15 कितना हुआ 41 इसका मतलब है कि निफ़ास निफ़ास जो है वो 26 दिन पे रुक गया है तो निफ़ास के बाद 15 दिन तोहरे से ही तोहर मिल गया ये जो तोहरा ये तोहरे सही बन गया नंबर एक 15 दिन का पूरा हो गया नंबर दो दम ये जो था दमे नफास दमे दमे सही था चालीस दिन से ऊपर पार नहीं किया ठीक है और आठ दिन का खून चूंकि पंद्रह दिन के बाद आया दमे सही है जब ये दमे सही है तो दो दमे सही इनके दरमियान हो तो ये जो तोहर है पंद्रह दिन का ये पंद्रह दिन का तोहरे सही है बात समझ में आ गई की पॉइंट बताता हूं अभी एक और की पॉइंट बताता हूं की पॉइंट जिसको हमारी मदरसे की जबान में कहते हैं मलहूा नोट नोट करने वाली चीज ये बात समझ में आ गई ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को तोहरे मसदेख है सवाल तो आप लोगों को आता है इसमें समझ में आ गया ये दरमियान का तोह तोहरे सही है ठीक है ठीक है जी ठीक है बात समझे माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आप लोग जिस चीज की वजह से कल परेशान हो रहे थे उस परेशानी को भी हम हल किए देते हैं हमने यहां पर तोहरे सही इसलिए निकालना है ताकि हमें आगे की आदत का तयन हो सके जिस तरह दमे सही की पहचान जरूरी है इसी तरह इसी तरीके से तोहरे सही की पहचान भी जरूरी है ठीक है जी आम तौर पर हम मसाइल बताने में जो गलती कर रहे होते हैं वो गलती इसलिए कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ दमे सही देख सिर्फ दम देख रहे होते हैं दमे सही का भी नहीं पता होता हम लोग मसला बताने में सिर्फ दम देख रहे होते हैं तौर नहीं देख रहे होते हैं। और अगर तौर देख रहे होते हैं तो तोहरे सही तोहरे फासिद को भी नहीं देख रहे होते सिर्फ दम को देख रहे होते हैं या सिर्फ कोई ज्यादा जीनियस होगा तो वो तोहर तो को देख रहा होता है ना कोई दमे सही को देखते है ना तो को कोई तोहरे सही को देखता है चुनाचे हैज का मसला बताने के लिए दमे सही का देखना भी जरूरी है और तोहरे सही का देखना भी जरूरी है दमे सही की पहचान होना जरूरी है और तोहरे सही की पहचान होना जरूरी है अगर तोहरे सही की पहचान नहीं होगी आप ऐज का मसला नफाज का मसला इस्तेहाजे का मसला कभी भी सही नहीं बता सकते कभी भी सही नहीं बता सकते तो ये की पॉइंट है के, के तोहर कैसे होगा हाँ बताता हूँ जी तो दमे सही और तोहरे सही इन दोनों की पहचान जरूरी है आज साहब आपने शायद कल का सबक नहीं सुना आ, मैं फिर बता दूं कि जब तोहर का एक, एक, एक मिनट भी चालीस दिन से मुताजावीज हो जाए तोर का एक मिनट भी चालीस दिन से मुताजाविज हो जाए और वो पंद्रह दिन से ऊपर के अंदर का एक मिनट भी चालीस दिन से मुताजाविज हो जाए और वो पंद्रह दिन से ऊपर हो तो वो तोहर जो है वो तोहरे ताम कहलाएगा इन मुकम्मल तोहर कहलाएगा और अगर पंद्रह दिन से अगर चालीस दिन के अंदर अंदर है तो तोरे नाकिस कहलाएगा इसके ऊपर मैं आता हूं समझाऊंगा आप फिलहाल इतना समझ लीजिए अभी मैं जो समझा रहा हूं दमैन सही है दमैन सही है दो दमैन सही है चुनाचे एक औरत को सात दिन खून आया उसके बाद बाईस दिन पाक रही और उसके बाद उसको पंद्रह दिन खून आया पंद्रह दिन खून आया तो पंद्रह दिन का तो दम दमे फासिद बन गया अब जी, पंद्रह दिन का खून दम दमे फासिद बन गया तो अब ये कैसे हो गया देखें जी सात दिन का खून तो दमे से ही है बाईस दिन का तोहर आ गया उसके बाद देखिए जरा ये पंद्रह दिन का जो खून है इसमें इब्तदा के दस दिन हैज और आखिर के पांच दिन ठीक इस तो दस दिन तो दमे सही है पांच दिन दमे फासिद है लेकिन ये जो खून आया है बाईस दिन ये इस दस के दरमियान आया ना तो इस सात के दरमियान आया तो दो दमे सही हैन के दरम्यान आ गया दमैन सही हैन इनके दरमियान आया तो क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि 22 का जो तोहर है ये तोहरे सही है खैर अल्लाह खैर समझ में आ रही है भाई बात समझ में आ गई थोड़ा जोश और खरोश मुझे नजर नहीं आ रहा जो फौरन फौरन जवाब आते हैं वो जोशोश समझ में नहीं आ रहा पता नहीं शायद बोर हो गया या क्या हो रहा है तो ये दूसरी शर्त होगी जी जो हजरत नए नए ज्वाइन हुए हैं वो घबराए नहीं समझ लेंगे इनशाला हमने आ, हमने तोहरे सही को आज पढ़ रहे हैं, और तोहरे सही की दो शर्तें हमने पढ़ी हैं पहला ये कि पंद्रह दिन हो दूसरा दिन दूसरा के दो दमे सही के दरमियान हो दो दमे सही का हम इजरा कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग समझ लेंगे कोई परेशानी बात नहीं है तो दो दमे सही के दरमियान हो तो ये दो दमे सही के दरमियान आना ये ये सही होने की आलामत है आवाज नहीं आती क्या वजह है आबरी लॉग हो जाए बंद करके दोबारा ज्वाइन करें को मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूं तो क्या फायदा समझ रहे जी दो दमैन सही है इनके दरमियान को ठीक है जी ये बात समझ में आ गई चले जी एक सवाल कीजिए एक औरत को ग्यारह दिन खून आया उसके बाद तीस दिन तोहर रहा ठीक है फिर छह दिन खून आया इस तोहर का क्या हुक्म है हुक्म भी लिखें वजह भी लिखें दो बातें लिखनी है हुक्म भी लिखें तोर है तौर सही है तो क्या वजह तोर है तोहर है तोहरे फासिद है तो क्या वजह है ये जो तीस दिन का तोर है ये तोहरे सही है तोरे फासिद है जवाब लिखिए तोरे फासिद है वजह के पहले दम फासिद है तौरे सही तुर सही कैसे है जी ये जो आपने लिखा तोरे सही है तौरे सही कैसे हो गया अच्छा फासिद है शुरू में दम फासिद आया इब्तिदा में एक दिन दम फासिद आ गया इसलिए तोहरे फासिद माशाल्लाह तौरे फासिद है क्योंकि शुरू के दस दिन है फिर एक दिन इस शाजे ने को तोरे फासिद कर दिया माशाल्लाह यू जेड से जवाब दिया कल आपने फरमाया था जब ग्यारह दिन दम आया तो ये दम दम फासिद है इसलिए कि एक दिन दम फासिद जब इसकी मिसाल पंद्रह दिन है तो दस दिन आ, तो दस दिन और पांच दिन के बाद दमे सही हुआ वजह बाद भी दमे सही हुआ आ, मैं आपका सवाल नहीं समझा शाहिद साहब शाहिद साहब मैं आपका सवाल नहीं तोरे सही क्योंकि ग्यारह में से दस दिन दमे सही एक दिन ऐसे तो तोरे सही कैसे हो गया जी तीस दिन तोरे फास वजह ग्यारह दिन का दम फासिद जी हाँ हाँ समझे सवाल को देखिए यहाँ पर ग्यारह दिन का दम दम फासिद है मेन है सुल ये ग्यारह दिन का दम दम फासिद है ठीक है मजमुआ ग्यारह दिन का दम दम फासिद है ठीक है इसको दम फासिद कहेंगे ठीक है जी हाँ ठीक है अब अम, मेरा जवाब समझ लीजिए ग्यारह दिन का दम दम फासिद है अब ग्यारह दिन का दम दम फासिद कैसे है इसलिए कि दस दिन हैज है ठीक है और एक दिन इस्तेहाजा है ठीक है तो ये ग्यारह दिन का खून ये दमे फासिद बन गया ठीक है दमे फासिद बन गया अगरचे दस दिन इसके हैज के हैं लेकिन वो हैज दम फासिद में आया है और एक दिन उसका इस का है तो ये एक दिन नहीं तीस दिन के तोहर के साथ मिलावट कर ली मिलावट करने के बाद ये जो है, जो है आ, मिलावट करने के बाद इसने तोह तोरे सही को तोरे फासित बना दिया समझ रहे मेरी बात को अब ये जो ग्यारह दिन आपने बनाए इसमें दस दिन हैज तो क्या दस दिन आदत बनेगी नहीं दस दिन आदत नहीं बनेगी इसलिए कि वो अः ये दस दिन का हैज दम फासिद के साथ मिला हुआ है इसलिए आदत नहीं बनेगी अब ये तीस दिन का तोहर आदत नहीं बनेगी इसलिए के तीस दिन का तोहर एक दिन के इस्तेहाजे के साथ मिला हुआ चुनाचे कुल्लिया समझ लें जो सवाल आपने हल किया सात दिन दम बाईस दिन तोहर पंद्रह दिन दम इस हल में दम आसानी में आ, मैं मैं बताता हूँ आपको मैं आपको बताता हूँ अब, अब अगला सवाल हम उसी का कर करेंगे देखिए जरा समझे मेरी बात मैं कहा था फासिद, दंफ सही के साथ मिलेगा तोरे सही के रास्त मिलेगा जब उससे मिलेगा, जब उससे रास्त मिलेगा तो इस दम ये दम दं, दमे सही को दमे फासिद बना देगा तोरे सही को तोरे फासिद बना देगा समझ रहे जी ये दम जब दमे सही के साथ मिलेगा तो दम दमे सही को दमे फासिद बना देगा तोरे सही के साथ मिलेगा तो तोरे सही को तोरे फासिद बना देगा लेकिन शर्त है बराह रास्त मिले बराह रास्त टच हो तो ये तोहरे फासिद उसको बना देगा समझ रहे मेरी बात को ये बात वाजी होगी आगे पढ़िए अब हम अगले सवाल की तरफ जाते जो मौलाना इशफाक साहब ने सवाल किया एक औरत को आठ दिन खून आया आठ दिन खून आया और मैं एक एक करके शिक बढ़ा रहा हूं एक एक करके मैं शिक बढ़ा रहा इसलिए नहीं बढ़ा रहा मुझे पता नहीं था इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उस एक एक चीज को कबूल करते जाए सारी चीजें इकट्ठी बता दूंगा आप कहें ये बहुत मुश्किल काम बता दिया आपने अब मैंने आपको एक नई चीज बताई बरस्त ठीक है बरह रास्त को आप समझिए आठ दिन खून आया पच्चीस दिन तोड़ रहा ठीक है उसके बाद इस औरत को बारह दिन खून आया ठीक है अब सवाल दिन का खून जो है ये है ठीक है लेकिन ये दमे फासिद कब बन रहा है दमे फासिद आगे के रास्ते से बन रहा है पीछे के रास्ते से नहीं बन रहा दमे फासिद दो तरीके से बनता है पीछे के रास्ते से बनता है आगे के रास्ते से बनता है जो पीछे के रास्ते से बनता है वो हम मोतादा के अंदर पढ़ेंगे फिलहाल उसको छोड़ दे उसको अभी छोड़ दे। आ, आ, हम उसको पढ़ेंगे पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन मैंने उसके ज़्यादा फोकस नहीं किया साथ ही कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन इस दफा जो कि हम सारी चीज पढ़ रहे हैं, तो हम उसको फोकस करेंगे तो समझिए जरा ये आ, जो दमे फासिद है ये दो तरह से दमे फासिद बनता है पीछे के रास्ते से आगे के रास्ते से कंफ्यूजन oh, होगी मैं अभी ये कंफ्यूजन आपकी खत्म करूंगा तो... तो... देखिए हमने पिछले सबक में एक चार्ट बनाया था ये ठीक है यहाँ पर पीछे के रास्ते से ये दमे फासिद बन रहा है ये पीछे के रास्ते से ये हैज है जे... लेकिन ये फासिद पीछे के रास्ते और ये आगे के रास्ते से बन रहा है यानी इब्तिदा से दमे फासिद बन रहा है या इंतहा से दमे फासिद बन रहा है जब इब्तिदा से दमे फासिद बनेगा फिर ये गड़बड़ करेगा जब इंतहा से दमे फासिद बनेगा तो ये गड़बड़ नहीं करेगा ठीक है जी बात इनशाला इसको हम तफसील तो से पढ़ेंगे घबराने की कोई बात नहीं तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना हमारी इस मिसाल के अंदर आ, सब चीज दो दो चार की तरह वाजे है बस समझने की बात है चुनाचे ये मिसाल है हमारी हम इस मिसाल को दोबारा पढ़ते हैं एक औरत को आठ दिन खून आया लाइन मेरी टेढ़ी हो जाती है टैप टा कर लेता हूं उसके बाद पच्चीस दिन तोहर रहा उसके बाद इसको बारह दिन खून आया ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद बारह दिन खुना है आपको तो समझ में आएगी माशा कर रहे तो हैं लेकिन हमने सब साथियों को लेकर चलना है तो देखिए अभी तक ये तोर तो 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 सही है, है अब ये जो दिन है, इसके पहले दस दिन है और आखिर के दो तो दिन है, है? तो ये तीक को जो दस दिन मिल रहे हैं ना ये तोड़ को मिलने वाले दस दिन ये दमे सही है दस दिन हैज के हैं जब ये दस दिन हैज के हैं और आगे के दो दिन इससे शिहाजा के हैं तो इसने इस खून तो खून को तो आदत से आदत से तब्दील नहीं किया लेकिन इस तोहर से यह बरह ये, ये खून नहीं मिल रहा तोहर से जब यह बरह खून नहीं मिल रहा बल्कि दस दिन का एक मोहत भी ही फासला आ चुका जो है इसकी इंतहा है जब यह हैज की इंतहा है तो इसने इस हैज को तो दम फासिद बनाया लेकिन इसका फसाद तोहर तक नहीं जाएगा क्योंकि तौर के लिए जरूरी है कि बराह रास्त उसके साथ फसाद मिल रहा हो लिहाजा ये पच्चीस दिन का तौर तोरे फास मेरी बात को ये कन्फ्यूजन है और मैंने ये कन्फ्यूजन उस साह से बताई तो सब तलबा हंसना शुरू हो गए तो मैंने कहा सही ये तो दमे फासिद है जब दमे फासिद है तो सब हंसना शुरू हुए तो उस ने कहा कि तुम लोग इसके सवाल को नहीं समझे

आखिर में दमे फासिद आ रहा है ठीक है तो उसके अंदर अगर फसाद आखिर में है तो फिर वो तोरे सही को तोरे सही रहने देगा तोरे फासिद नहीं करेगा मोतादा के अंदर हम इसको तफसील से पढ़ लेंगे तो दो दमैन सही हैं सही है एक मिसाल कीजिए एक औरत को एक औरत को चार दिन खून आया उसके बाद चौबीस दिन पाक रही उसके बाद उसको चौदह दिन खून आया जी ये तोहर के बारे में क्या हुक्म होगा और वजह भी बताए तोरे से हुक्म नहीं वजह भी बताएं असल तो यहां वजह मैटर करती है वजह समझानी है वजह मकसूद है तोरे सही है और उसकी क्या वजह है कि दमैन सही हैं, के दरम्यान आया है दमैन सही है

उसको पैंतीस दिन खून आया पैंतीस दिन खून आया फिर चौदह दिन तोड़ रहा फिर आठ दिन खून आया जवाब दीजिए जवाब दीजिए और वजह भी बताइए जवाब दीजिए वजह बताइए जवाब दीजिए वजह बताइए जी दमैन सही क्योंकि दमैन सही के दरमियान आया वली साहब आप फंस गए दमे सही दमे दम्हा फासदान शरते अव्वल फुकदान शरते अव्वल फुकदान शरते अव्वल फुकदान शरते अव्वल पंद्रह दिन से कम जी पंद्रह दिन से कम है फुकदान शर्त अव्वल और बताया था जब पंद्रह दिन से कम खून हो तो वह दमे मुतवाली के हुक्म में होता है पंद्रह दिन से कम हो तो दमे मुतवाली के हुक्म में होता है स्टार्ट में स्टार्ट में कहा से आ गया फुकदान शर्त अव्वल है जी फुकदान शर्त अव्वल तोहरे फासेद थोड़ा माइंड हाजिर नहीं हो सका इस वजह से साथियों ने गलती की चले जी नफास् आया 42 बयालीस दिन का ठीक है अठारह दिन तोहर उसके बाद आठ दिन खून हुक्म बताइए वजह बताइए तोहर सही है या फासिद है वजह क्या है सही या फासिद होने की तोरे इब्तिदा में दमे फासद माशाल्लाह तोरे फासद दमैन सही इनके दरमियान नहीं ठीक है बिल्कुल सही है दोनों बातें सही हैं तोरे सही पंद्रह दिन से ज्यादा अरे भाई तोरे सही पंद्रह दिन से ज्यादा कैसे हो गया ये गुलाम मोहम्मद साहेब पंद्रह दिन से ज्यादा तो इब्तिदा में दमे फासिद आ गया ना चालीस दिन हाँ ठीक है सबने सही लिखा एक बंदे ने गलती की है के चालीस दिन निफास दो दिन ज़्यादा दो दिन ज़्यादा तोड़ से टकरा गया जब तौर तो से टकरा गया तो मसला गड़बड़ हो गया ना जी तो रे शुरू में ना माशाल्लाह ठीक है जी आगे चले शर्त नंबर तीन शर्त नंबर तीन इन दोनों शर्तों से ही मिली हुई है के तोहर के तोहर के इब्तिदा वस्त और आखिर इब्तिदा वस्त और आखिर में कहीं भी दमे फासिद ना हो इब्तिदा वस्त और आखिर में कहीं भी दमे फासिद ना हो देखें आखिर का ताल्लुक मौतादा से है इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे मोतादा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये जो मैंने अभी आपको नक्शा दिखाया थोड़ी देर पहले तो वो इसी के मुताल था इब्तिदा और वस्त इब्तिदा की मिसाल आपने पढ़ ली ये ये पीछे ये इब्तिदा की मिसाल है ठीक है जी ये आ... ठीक है ये सारी मिसालें इब्तिदा की थी ठीक है जी इब्तिदा ये है वस्त अब हम पढ़ते हैं एक औरत को आठ दिन खून आया उसके बाद सोलह दिन पाक रही फिर उसको खून आया लेकिन दो दिन खून आया और फिर सोलह दिन पाक रही और फिर उसको आठ दिन खून आया अब ये जो चौतीस दिन का तोहर है इस तोहर को हम तोहरे फासिद कहेंगे ठीक है जी चौंतीस दिन का तोहर है इस चौंतीस दिन के तोहर को हम तोहरे कहेंगे हमरे दरमियान है। हैज नहीं हो सकता ना आपने बड़ा दमे सही दमे फासिद की सात किस्में उनमें पहली किस्म है कि तीन दिन से कम हो ठीक है ये दो दिन है ना खून एक नई चीज यहाँ पर आपके सामने आई स्टेप बाई स्टेप आएंगी तो इनशाला समझ में आएगी तो आप समझ लें कि ये जो है अः आ, दरमियन में आ गया एक और मिसाल लें एक औरत को दस दिन खून आया उसके बाद पंद्रह दिन वो पाक रही फिर दो दिन तेईस घंटे पचपन मिनट उसको खून आया फिर सोलह दिन पाक रही उसके बाद आठ दिन खून आया ठीक है ये जो इस औरत का इस औरत का खून बना है ये बना है तैंतीस दिन तेईस घंटे पंद्रह मिनट ठीक है अब ये जो तोहर है ये तोहर तोहरे वस्त में, वस्त में वो मैंने कुलिया बताया था तम फासिद जहाँ टकराएगा उसको फासिद कर देगा तमे फासिद का मतलब है जीरो जीरो जिसके साथ जरब खाएगा वो उसको अपने बराबर कर देगा ठीक है दमे फासिद जिससे टकराएगा उसको फासिद कर देगा दमे फासिद तोरे सही से टकराएगा उसको फासिद कर देगा दमे फासिद दमे सही से टकराएगा उसको फासिद कर देगा चुनाचे यहां पर दमे फासिद आ गया लिहाजा इसने इसको फासिद कर दिया तोर से तोरे सही को तोरे फासिद कर दिया बात समझ में आ गई सवाल करने के लिए तैयार हैं आप लोग अब मैं फ्री जो आ, होते हैं सवाल मिक्स सवाल है वो दे रहा हूं आप लोगों ने वो सवाल करने हैं आराम आराम से करेंगे कोई जल्दी नहीं है कोई घबराने की बात नहीं या लो आओ जी एक औरत को विलादत हुई उसको तीन दिन खून आया फिर सोलह दिन हो रहा फिर तीन दिन खून आया फिर सोलह दिन हो रहा ठीक है फिर तीन दिन खून रहा फिर चौबीस दिन हो रहा फिर आठ दिन खून आया निफास कितना है तोहर कितना है कितना है तम सही कितना है तमे फासिद कितना है बयान कीजिए तीन दिन खून सोलह दिन तोहर फिर तीन दिन खून फिर सोलह दिन तोहर फिर तीन दिन खून फिर चौबीस दिन तोहर फिर आठ दिन खून बनाइए जनाब या ला, या ला, या ला। जी किन का जवाब आया तोहरे सही है तोहरे सही है बाईस दिन निफ़ास छब्बीस दिन तो आठ दिन ना 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 बाबा जी नहीं हज़रत जी कैसे कर दिया आपने सवाल को बाईस दिन निफास के कैसे बना लिए हम इसको सीधा करते हैं सवाल को शायद मैं गलत कर रहा हूं नहीं हाँ जी हाँ जी करें करें सवाल करें सवाल करें दूसरों को मौका दें मौलाक साहब दोबारा सवाल कीजिए सवाल की तरतीब को देखें चालीस दिन निफास नौ दिन अरे भाई दरमियान में दर फासद कौन बताएगा पूरा जवाब दीजिए जवाब एक दिन फास चौबीस दिन तोहरे जी देखते हैं चालीस दिन निफास एक दिन इस्तेहाज़ा पच्चीस दिन तोहरे फास आठ दिन, निफास, एक दिन, 25 दिन, तोरे और 8 दिन के और देखते हैं कौन जवाब देता भाई मशपाक साहब आपसे चाहूंगा आप दोबारा सवाल कीजिए आप एक दफ़ा सवाल करके मायूस हो जाते हैं आप सवाल दोबारा कीजिए चालीस दिन निफास उसके साथ मजीद एक दिन इजाफी जो जोखून अगले चौबीस दिन के तौर फास फासिल कर दिया ठीक है जी आगे के आठ दिन को क्या बनेंगे आप भाई चालीस दिन निफास छब्बीस दिन तौर फासद क्योंकि इससे पहले एक दिन का दमे हाँ ठीक है सही है आगे के आठ दिन को क्या बनाएंगे दम दमसद पीछे इतने लोग जवाब दे रहे हैं ना तो अब पूरे पूरा बात जिक्र किया करें ताकि मुझे बना दिया नौ दिन है दिन कहां से बना दिया तो दोबारा गिनती करी इतने दिन तो हमने बनाया ही नहीं है ये तो आपने अठासी और नौ कितने दिन बना दिए तो गड़बड़ है इसको दोबारा चले जी सवाल की तरफ आते हैं माशा तकरीबन जितने है, काफी के जवाब आ चुके हैं देखिए तीन और और सोलह कितने हुए उन्नीस उन्नीस और तीन कितने हुए जनाब बाईस बाईस और सोलह कितने हुए अड़तीस अड़तीस और तीन कितने हुए इकतालीस ठीक है इकतालीस हुए तो चालीस दिन निफास एक दिन दमसद ये इससे मिला तो चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस दिन का तोहर लेकिन तोहरे फासिद पच्चीस दिन का तोहर तोरे फासिद और तोरे फासिद जो है पच्चीस दिन का है लिहाजा आठ दिन का जो खून होगा वो खाद आठ दिन का खून हैज होगा अच्छा ये लिहाजा आठ दिन का खून हैज होगा इसके पीछे भी एक वजह है वो मैं बताता हूँ अभी आपको चालीस दिन जी मौलाना शफफाक साहब अभी आपने बिल्कुल सही किया चले जी एक चीज समझ लीजिए एक नई चीज समझा रहा हर मिसाल के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कोई नई चीज आपके सामने जिक्र कर दूं और जहन में रखिएगा हम इस कोर्स में कोई चीज छोड़ेंगे नहीं एक चीज भी नहीं रहेगी हमारी पच्चीस दिन जो है ना पच्चीस दिन ये पंद्रह दिन से ऊपर है अब वो तुरे फासदिद है या तोरे आ, आ, तोरे सही है उसको छोड़े अगर वो पंद्रह दिन से ऊपर है तो वो ताम है और पंद्रह दिन से कम है तो वो नाकिस है ताम है या नाकिस है जब ताम होगी तो आगे का खून हैज होगा जब तोरे ताम होगा तो आगे का खून हैज होगा तोरे ताम नहीं होगा तो आगे का खून हैज नहीं होगा जब पंद्रह दिन से ऊपर का तोहर है चाहे वो तोरे फासिद है चाहे वो तोरे नाकिस चाहे वो तोरे सही है पंद्रह दिन से ऊपर का तोहर होगा चाहे वो तोहरे सही है चाहे वो तोहर तोहरे फासिद है, सूरत वो ताम होगा नाकिस नहीं होगा ठीक है जी आ, तो जब वो ताम होगा तो ताम होगा तो आगे के खून को हैज बना देगा चुना ये चौबीस दिन है तो आठ आगे के आठ दिन के खून को इसने ताम बनाया मतलब आसान समझे यानी पीछे समझे पंद्रह दिन से कम दमे मुतावाली है पंद्रह दिन से ऊपर मुतवाली नहीं है ठीक है जी हमने पीछे पढ़ा, अगर 15 दिन से कम खून है, तो वो दमे जारी के हुक्म में है पंद्रह दिन से ऊपर है तो दमे जारी के हुक्म में नहीं है ठीक है जी, आ, बात आप समझ चुके हैं, बात आप हम हमने मसाइल हल कर चुके हैं घबराने की कोई बात नहीं अब हम इसको मिसाल से करते हैं विलादत हुई ठीक है विलादत के बाद बीस दिन खून आया ठीक है, पंद्रह दिन तो हो रहा। अच्छा विलादत के मसले से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? विलादत के अंदर चालीस दिन वाला ध्यान रखें, ठीक है? अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको इसको छोड़ रहा हूं नया सवाल लगा लो। दस दिन खून आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 22 दिन तोहर रहा फिर दो दिन खून आया फिर 15 दिन तोहर रहा ठीक है और उसके बाद उसके बाद आठ दिन खून आया ठीक है ये जो दरमियान का तोहर है 22 दिन जमा दो चौबीस दिन चौबीस दिन जमा पंद्रह चौतीस और सात सैतीस चौतीस दिन एक मिनट चौंतीस और पांच, उनतालीस उनतालीस दिन इस उनतालीस दिन के तौहर तो का हुक्म लिखिए जी हज़रात मुफ्त ने कराम कराम मुझे लग रहा है आज का सबक थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है आ, आप लोग ने कल के सबक को इंजॉय किया था तोरे सही के दमे सही है इनके दरमियन है ठीक नहीं ये गलती कर दी ना आपने पहले दस दिन कंटिन्यूस नहीं किया तोरे फासिद फासदान शरत सालिस माशाल्लाह साद साहब आपका जवाब आ गया मतलब ठप्पा लग गया जी तोहरे इसलिए के दरमियान में दमे फासिद आ गया और आपको एक तुलिया बताया था आसान सा कि जहा दमे फासिद आ रहा है वो दमे फासिद जो है वो गड़बड़ करेगा ठीक है वो तोहरे सही को ये बाईस दिन का तोहर सही था इससे टच हो गया तोरे फासिद तो गड़बड़ हो गया इसे टच हो गया तो रे तो गड़बड़ अरे फास गो बात को बात समझ में आ गई भाई भाई चौतीस दिन निफास पंद्रह दिन तो आठ दिन है अरे क्या कर रहे हैं सवाल कौन सा है जवाब क्या है चले जी अब आए हम हम जो मजमून की तरफ देखिए देखियेज हैज, दो हैज और हज़ो और निफास के दरमियान का फासला जिसमें खून नहीं आता उसको तोहर वो तोहर कहलाता है तोहर की दो किस्म है से ही और फासिद इसकी बुनियादी तौर पर तीन शराय हैं पंद्रह दिन से कम ना हो ठीक है और दो दमे से ही यानी दो हैज के दरम्यान याज़ वफात के दरमियान हो इब्तदा दरम्यान आखिर में दमे फासिल ना हो ठीक है जी बात समझ गया आप लोग बात बाजी हो गई अब हम आगे बढ़ रहे हैं अभी एक बात मैंने आप हजरात से कही तोहरे मुतल आप लोग इसको पढ़ चुके हैं आप लोग इसके सवाल हल कर चुके हैं और इसको पढ़ के सवाल हल करके आप लोग काफी चीजें समझ चुके हैं और काफी चीजें आप लोगों की समझ में आ चुकी हैं मैं थोड़ा सा इसको मजीद वज, वजाहत करने के लिए ये स्लाइड आपके सामने रखी है ताकि आप हजरात को ये समझ में आ जाए और हम आप मसले को समझ के आगे बढ़ें ये समझाना फिलहाल एक फॉर्मेलिटी है ताकि बुनियादी तौर तोरे मुतल जब हमने देखा तो तौर मतखल के दरम्यान जो दम है वो कितने दिन का आता है बाद दफा आ, आ, तोरे मुतखल यानी तोहर कितना आता है तुम को छोड़ें तोहर कितना आता है दस दिन आया पंद्रह दिन आया अठारह दिन आया उन्नीस दिन आया ठीक है अब सिंपल तोहर है ठीक है तोरे सही है या फासिद है हम इसको नहीं देख रहे तोरे सही या फासिद इसको हम छोड़ रहे हैं तोहरे मुतखल जब होता है तो पंद्रह दिन का या पंद्रह दिन से ऊपर का होता है तो वो फासिल होता है पंद्रह दिन से नीचे का होता है यानी चौदह दिन तेईस घंटे उनसठ मिनट का भी होगा तो ये गैर फासिल होगा ठीक है जी यानी वो तोहर तोहरे तोहर नहीं बनेगा बल्कि वो दमे मुतवाली के हुक्म में होगा पीछे के मसाइल में आप हजरात इन सब चीज़ों को सही से और अच्छे से समझ चुके हैं आ, बस ये समझाना कि तोहरे मुतल फासिल बनेगा या गैर फासिल बनेगा इसके हवाले से कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आप हजरात इसको देख लो तोहरे ताम और तोहरे नाकिस जब तोहर पंद्रह दिन का होगा या पंद्रह दिन से जायद होगा ठीक है तो ये तोहर काम होगा और फासिल बनेगा अब वो तौर सही हो तौर फासिल हो इसको छोड़ दें ठीक है तौर नाकिस जो तौर पंद्रह दिन से कम हो आ, तो वो जनाब ये देखें तेईस घंटे पचपन तो ये फासिल नहीं बनेगा यानी वो तोहर के हुक्म में नहीं होगा यानी पंद्रह दिन का तौहर है तो वो तौहर के हुक्म में होगा पंद्रह दिन का तोहर नहीं है तो वो तोहर के हुक्म में बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है जी बात समझ में आ गई आप लोगों को हम आगे बढ़ रहे हैं यही मिसालें हैं यही मशकें हैं इसी के अंदर मजीद थोड़ी सी वजाहत कर दी है यानी यहां पर आप देखें ये उनतालीस दिन है जब ये उनतालीस दिन है तो ये उनतालीस दिन का तौर तौर फासिद तो है लेकिन तोरे फासिद होने के साथ तोरे ताम है ताम का मतलब है फासिल बनेगा फासिल बनने का क्या मतलब है इसके बाद वाला खून हैज के हुक्म में होगा अल्लाह करे आप समझ में आ रही हो भाई भी हम आगे चलते हैं इस मसले को हल करते हैं खून आने के हवाले से औरत की किस्में आप लोग आगे समझने को तैयार हैं अब हम असली सवाल की तरफ जा रहे हैं और यानी अः आहिस्ते आहता हम करीब हो रहे हैं असली सवाल की तरफ यानी ये जो अभी तक हमने समझा था ये बुनियाद समझी थी और बुनियाद हमने वाजे कर ली जिन जिन लोगों को ये सवाल समझ में आ गए हैं वो समझ लें वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं सौ फीसद समझ में आई है पंद्रह फीसद समझ में आई है पचास फीसद समझ में आई है कोई ऐसा मसला नहीं औरत को जो खून आता है उस एतबार से औरत के तीन हुक्म है पहला हुक्म मुबे का है दूसरा हुक्म का है अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो मुबतदिया को सामने रख के पड़ी जब मुबतदिया की चीजें आपको आ गई तो आगे मोतादा की चीजें भी आपको आने में कोई मसला नहीं होगा अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा का सरा मुबत पर था अभी हमने इसको मुबतदिया से मोतादा की तरफ लेकर जाना है लेकिन मुबतदया के अपने अंदर कुछ किस्में होती हैं कुछ चीजें होती हैं उसको अभी हम समझेंगे इनशा कोई इसमें मुशक्कत नहीं है कोई इसमें मुश्किल नहीं है और दूसरी चीज है मोहतादा जी आवाज कम हुई थी दरमियान में लेकिन इनशाला भी आवाज आ रही होगी दूसरी है मोतादा और तीसरी है मुस्तहाजा यानी जिसको खून आते ही शुरू हो जाए अब हमने जो पढ़ना है वो इन तीनों चीजों को पढ़ना है उपतद्या को पढ़ना है मुतादा को पढ़ना है और मुस्तहाजा को पढ़ना है अच्छा एक और चीज हम पढ़ेंगे निफास और एक और चीज हम पढ़ेंगे डीएनसी ठीक है और ये अलग दोनों अलग चीजें हैं और डी सी और एक और चीज थी हाँ लिकोरिया ये तीन चीजें अलग हैं इन सब चीजों से हटके ये तीन चीजें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे आज आप बुनियादी चीज बुनियादी चीज समझ लीजिए मुब्तया कौन सी औरत होती है जिसको खून की इब्तिदा होती है मुबतदिया वो औरत है जिसके खून की इब्तिदा हो रही होती है पहली मरतबा जिसको खून आ रहा होता है हाँ भाई अभी आवाज सही आ रही है अभी आवाज सही आ रही है जी जी ठीक है, है। साहब आपकी तवज्जो दिलाने का देखें मुफ्त जो है मुबतदिया का जो मामला है मुबतदिया दो तरह की होती है मुबतदिया दो तरह की होती है मुफ्त बिलहमल ठीक है और बालाह बिल बाल बिलह बिल हमल और बालाह बिल हैज़ बिल हमल बाल बिल हैज देखें बच्ची के जवान होने की दो सूरतें होती हैं एक तो वो जवान होती है आ, एक वो जवान होती है हैज के जरिए से और एक वो जवान होती है एक एक बच्ची जवान होती है हैज के जरिए से और एक बच्ची जवान होती है हमल के जरिए से यानी उसके अः बालग होने का पता चल जाता है हैज के जरिए से और एक के बालग होने का पता चलता है हमल के जरिए से ठीक है बालगा बिल हमल की कुछ सूरतें हैं और बालेगा बिल हैज की कुछ सूरतें हैं ये दोनों सूरतें मैं आपको आ, मैं आपको इनशा जिक्र कराऊंगा और इनशाला इसको हल करवाऊंगा और हमने इसको हल करना है बड़े तहमुल से हल करना है इसलिए कि तहमुल से हल किए बग़ैर इसमें गुजारा नहीं होता ज़ी राहल मेरे पास कुछ नोट्स हैं और वो नोट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भेज दूंगा इन नोट्स को आपने पढ़ना है समझना है और इसके अंदर मुब्तदिया जो है उसके बालगाह बिलहमल होने की जो सूरतें हैं वो तीन सूरतें हैं और बालगाह बिलहज़ होने की जो सूरतें हैं वो तीन सूरतें हैं आ, मैं भी फैसला नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी हमारे पास वक्त आधा घंटा रह गया आ, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं इन हम इसको पढ़ते हैं मुबदया आज हम मुब्त्या को आ, का काम मुकम्मल कर देंगे ताकि मतदा के कि किसी भी काम के अंदर हमें कोई किसी भी दर्जे की रुकावट ना हो बिस्मिल्लाह करते हैं मैं थोड़ा सा घबराई इसलिए रहा था कि वक्त हमारे पास गड़बड़ कर रहे मुबतद्या मुबतिया असल में हम आमतौर पर गलत पढ़ते हैं मुबतादा मुबतादा पढ़ लेते हैं ये असल में लफ्ज है मुबतद्या मुबतदे ठीक है मुबतद्या अखिल में ता आता है लेकिन हम इसको हा के साथ लिख देते हैं यानी जो आ, बालिग हुई है और बालिग होने के बाद उसको पहली मरतब खून आया ठीक है बालिग होने के बाद उसको पहली मरतब खून आया तो ये मुबतद्या कहलाती है मुबतदया दो तरह की होती है बाल बिलहमल सही आप कैसे कैसे मसाल पढ़ा रहे हैं हमें तो आज तक ऐसा मसला नजर नहीं आया मैं आपको वाक़ सुनाना शुरू कर दूंगा आपको वाक़ सुनाना शुरू कर दूंगा ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे जब आप इस फील्ड में ताल्लुक रखेंगे इन मसाइल से वास्तव रखेंगे तो आपके सामने इस तरह के मसाइल आएंगे और कदूरी के अंदर कितने मसाइल हैं जो हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं वो तो मसाइल नहीं है बल्कि वह बुनियादे हैं आज हम यह बुनियादें समझ रहे हैं आवाज कट रही है और आई डू इस सबक के अंदर अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे मसला हो जाएगा देखें अभी मुझे बताइए आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को मैंने माइक निकाल के दोबारा लगाया है अभी आवाज आ रही है बेहतर हो गई है बेहतर हो मुकम्मल तौर पर सही नहीं है चले जी कोशिश करते हैं बालेगा बिलहल बालिगा बालेगा बिलहमल जो है उसकी तीन सूरतें होती हैं बस मुझे एक मिलते हैं। नहीं 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 मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुबतदिया बालिगा बिलहल मुबतदिया बालिगा बिलहज जो है ओहो हो मैं परेशान हो गया था कि ये मुस्ताजा है मुफ्त के मुस्ताजा होने के मामले मामले में है इसको छोड़ दे अः मुफ्तिया होने के मामला था बकिया मुफ्त के जो मामला हैं वो यहाँ पर वो मुस्ताजा में है ओहो हो बड़ी गलती हो रही थी ये आ, वही मैं परेशान हूँ ये यहाँ पर मामला है मैं परेशान हो गया इस तिहाजा में है यहाँ पर नहीं है जी अल्लाह बहुत शुक्र अलहमद ये बालिगा बिलहमल होने का मामला इस तिहाजा के साथ है आ, मुबतदिया के अंदर मुब्तिया को जो खून आ रहा है वो खून है बालिगा बिल हैजैसी बच्ची बालिग हुई है उसके बाद जो खून आ रहा है उसके ऊपर मुबतद्या के अहकाम लगेंगे और अभी जो हमने अहकामा पढ़े हैं अभी जो हमने अहकामात पढ़े हैं वो सारे के सारे मुफ्त के हैं ठीक है जी अभी जितने भी अहकाम हमारे हुए हैं वो सारे के सारे मुबत आके हैं अभी हम आगे जो पढ़ रहे हैं मतादा की तरफ पढ़ रहे हैं मुबतदे का मामला यहाँ पे खत्म है आगे जो मामला थे मतादा के मतादा मुबतदया जब मतादा बनती है तो उस वक्त हमने किन बातों का ध्यान रखना है मुबतद जब मोतादा बनती है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है मोतादा इसको एक दमे सही आ जाए इसको एक तोरे सही आ जाए या दोनों सही आ जाए तब तो वो मोतादा बन जाती है मुबतद्या को एक दमे सही आ गया तो मोतादा बिदम बन जाती है मोहतादा को एक तोड़े से ही आ गया तो ये मोतादा बित बन जाती है ठीक है मोतादा को मुतदा को आदत के मुआफिक मोतादा को हैज से सही में आ गया और तोड़ तोड़े से ही में आ गया तो वो मोतादा मोतादा बिदमी व तोहर बन जाती है आप लोग कंफ्यूज हो गए नहीं बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है जरा समझें हम इससे इनशाला इसको समझाते हैं और आज आप ये समझ के ही उठेंगे इंशाल्लाह आप लोग ये समझ के उठेंगे कोई परेशानी की बात नहीं समझ में भाई कोई बात नहीं आ, देखें मोतादा बिदमिस सही मोतादा की तीन किस्में मोतादा बिदमिस सही और मोतादा बि सही तीन किस्में जी मोतादा बिदमि सही ठीक है मोतादा बितुहर सही और मोतादा बिद्धमी व तुहर तीन किस्म की मोतादा होती है जब एक बच्ची मुबतदिया से मोतादा की तरफ जाती है तो उसमें तीन किस्म की चीज़ें आती हैं ठीक है जी मोतादा बिदमि से ही आसान बात है कोई मुश्किल बात नहीं है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हर चीज अभी इसको अरबी में देखते हुए आप घबरानी घबराइएगा नहीं ये आसान चीज है बिल्कुल आसान चीज है मौतादा बिदमि से ही क्या होता है एक बच्ची है उसको उसको खून आया ठीक एक बच्ची है उसको खून आया और खून कैसे आया खून इस तरीके से आया कि वो बारह साल की हुई और 12 साल की होने के बाद उसको आठ दिन खून आया ठीक है जी आठ दिन उसको खून आया और उसके बाद उसको तोर शु... आ, उसको तोहर शुरू हो गया ठीक है चौदह दिन तोहर आया उसके बाद फिर खून आ गया जी चौदह दिन तोहर आया उसके बाद फिर उसको नहीं नहीं आ, मैं मैंने मिसाल गलत दे दी उसको तोर आया सोलह दिन फिर दो दिन खून आ गया ठीक है फिर उसको आ, उसको जो है सोलह दिन खून आ गया ठीक है उसके बाद फिर उसका खून शुरू हुआ और वो बारह दिन खून आया यहाँ तक हमने मसला पढ़ लिया था ना जी यहां तक मसला पढ़ लिया था अब उसको 12 दिन खून आ गया अब ये औरत है इसके साथ मसला क्या हुआ 8 दिन इसका खून आया ठीक है जी उसके बाद इसको 16 दिन तोहर आया 16 दिन तोहर आया और 16 दिन तोहर के बाद दो दिन खून आया और फिर 16 दिन फिर तोर आया, ये तोहर तो तोहरे फासिद हो गए ठीक है जब ये तोर तोरे फासिद हो गया और ये जो खून आठ दिन के बाद आके रुक गया था उसके बाद उसको पंद्रह दिन का फासला या पंद्रह से ऊपर का फासला मिल गया तो ये, दमे, ये दम दमे सही हो गया ये दम दमे सही हुआ और ये तोरे फासिद हो। अब इसको खून जारी हुआ बारह दिन ठीक है तो अब इस औरत की खून के अंदर आदत बन गई लेकिन तोहर में आदत नहीं बनी इसलिए के तौर फासद आदत नहीं बनता समझ रहे लिहाजा अब इसको 12 दिन जो खून आया तो 8 दिन उसकी आदत है चार दिन उसका इस्तेहाज है बात समझ रहे हैं जी एक और मिसाल करते हैं एक और मिसाल करते हैं बात अच्छे से समझ में आएगी एक बच्ची है उसको 10 दिन खून आया पहली मरतबे खून आया और दस दिन खून आया ठीक है उसके बाद उसको उसको अठारह दिन तोहर रहा फिर उसको एक दिन खून आया और फिर उसको फिर अठारह दिन तोहर रहा ठीक। और फिर उसका खून जारी हो गया और चौदह दिन तक जारी रहा ठीक है जी अब इसका मतलब यह हुआ इसको यहाँ पर 37 दिन तोहर मिल गया और जो पीछे खून था वो दस दिन दमे सही है दस दिन दमि सही का मतलब है आदत इसकी दस दिन है लेकिन आदत कौन सी आदत किलागी? आदत होगी मोतादा जी मोतादा बिदमी सही वो मोतादा बिदमि सही है समझ रहे मोतादा बिदमी व तोर नहीं इसलिए कि ये जो सैतीस दिन का तोर है तोरे फासिद है ये आदत नहीं बन सकता लिहाजा यहाँ चौदह दिन जो खून आया तो इसमें दस दिन हेज है और चार दिन इसहाजा है इसलिए कि दस दिन की आदत वाली है एक और सवाल करते हैं बिल्कुल तब्दील सवाल करेंगे मोतादा को दो दिन खून आया फिर चार दिन तो हो रहा फिर तीन दिन खून फिर एक दिन खून आया ठीक है तो ये खून कितने दिन रहा सात दिन ठीक है उसके बाद इसको तोहर हुआ और इसका तोहर हुआ पंद्रह दिन का फिर एक दिन खून आया फिर पंद्रह दिन का तोहर रहा और उसके बाद इसको खून आया बारह दिन भी समझ रहे हैं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ठीक है ये इकतीस दिन का तोहर है ये सात दिन का हैज है लेकिन ये तोहर तोरे फासिद है ये जो हैज है हैज ये दमे सही है दमे सही है तो ये सात दिन की आदत बन गई सात दिन की आदत बन गई तो यह मोहतादा मोहतादा बिदमे तो सात दिन की आदत है इकतीस दिन का तोड़ तोड़ है फांसी है। लिहाजा ये आदत नहीं बन सकता ठीक है अब ये बारह दिन खून आया तो बारह दिन में सात दिन हैज के हैं और पांच दिन इसहाजा के हैं क्योंकि तो इसकी आदत खून के अंदर बन चुकी है खून के अंदर इसकी आदत बन चुकी है समझ में आ गया या एक और मिसाल करें बताइए जनाब समझ में आ गया या एक और मिसाल करनी है अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम आप सवाल करेंगे समझ में आ गया नहीं समझ में आया समझ में आ गया गई मोलाशफाक सब समझ में आ गया ठीक है एक और मिसाल कर ठीक है जी एक और मिसाल करते हैं ला एक औरत है उसको चार दिन खून आया और उसके बाद उसको सोलह दिन पाकी रही फिर दो दिन खून आया फिर पंद्रह दिन पाकी रही ठीक है जी और उसके बाद उसको आगे खून आया ग्यारह दिन ठीक है जी या चार दिन दम और कितने दिन हुए जनाब हुए तैतीस दिन तोहर और ग्यारह दिन दम तो ये तैतीस दिन का जो तोहर है चूंकि दरम्यान में दो दिन दमे फासिद आ गया तो ये तोहर तोहरे फासिद हो गया ठीक है जी ये तोहर तोहरे फासिद हो गया जब ये तोहर तोहरे तो आगे जो ये औरत मोतादा बिदम है चार दिन की मोतादा बिदम है चार दिन की बिद्दम है। जब चार दिन की मोतादा बिदम है तो अब क्या हुआ अब ये जो ग्यारह दिन है इसमें से चार दिन हैज के हैं और बकिया सात दिन इसहाजा के ठीक है जी क्योंकि ये मोतादा बिदम हो गई चार दिन इसकी खून में आदत बन गई खून में आदत लीजिए मोतादा की तीन किस्में हो गई और इसकी पहली किस्म हम पढ़ रहे हैं मोतादा बिदम सही तो मोतादा बिदम है मोतादा बिदम सही पढ़ लें या मोतादा बिदम पढ़ लें यानी खून में आदत वाली खून में जिसकी आदत है तोहर में आदत नहीं बनी क्योंकि इसको पहली मरतबे खून आया चार दिन खून है और उसके बाद इसका तेंस दिन इस्तेजा हो गया या तो समझ रहे हैं जी तो ये चार दिन इसका हैज है और सात दिन इसका इस्तेजा हो गया लिखे जी सवाल लिखे एक औरत को सात दिन खून आया दस दिन इस्तेहाजा इसलिए नहीं है क्योंकि तोरे फासिद था दस दिन इससे नहीं नहीं भाई तोरे फासिल का क्या मतलब है इसकी खून में आदत बन गई खून में आदत चार दिन है जब खून में आदत चार दिन हो गई देखिए कंफ्यूज ना हो इस औरत की खून की आदत चार दिन की मुकर हो गई एक दफा आदत आने से आदत मुकर हो जाती है मुफ्ता भी ही कौल यही है हनफिया का मुफ्ता भी कौल यह है चार दिन खून की आदत होगी तोहर की आदत नहीं हुई अब जब खून आया इसको तो अब ये जो ग्यारह दिन खून आया है जब ये दस दिन से मुतजाविज होगा हम उसको पढ़ेंगे दस दिन से मुतविज होने को तो ये तो चार दिन इसमें हैज के हैं और बकिया बकिया सात दिन इसमें इस्तेहाजा के हैं इसलिए कि इसकी आदत आदत चार दिन की है ग्यारह दिन खून आया तो चार दिन खून है सात दिन इस्तेहाजा है अगर ये पंद्रह दिन खून आता तो फिर चार दिन खून होता और और जनाब ग्यारह दिन इस्तेहाजा होता बीस दिन खून होता तो फिर ग्यारह चार दिन खून और सोलह दिन इस्तेहाजा होता इस तरीके से यानी चार दिन पक्के हो इस के। इस के चार दिन गए और पक्के बाद मुफ्तिया थी मुफ्तिया थी एक दफा आदत गई तो मुतादा होगी ना मुफ्तिया को अब हम मुतादा की तरफ लेके जा रहे हैं ना भाई मुफ्तिया मुपत, बिचारी कब तक मुफ्तिया रहेगी कभी तो इंसान बनेगी भाई चले जी एक औरत को सात दिन खून आया ठीक है फिर पंद्रह दिन उसकी पाकी रही फिर एक दिन खून आया फिर पंद्रह दिन पाकी रही उसके बाद दिन खून आया ठीक है जी बताइए जनाब क्या मामला है आदत चेंज हो जाए होने को हम पड़ेंगे आप क्यों भी टेंशन ले रहे हैं अभी तो मुफ्ताद को मुतादा एक दफा बन जाने देना इसको सही नहीं बताया मुझे इसका मसला बताइए इस औरत का मसला बताइए दमे सही दमे फासिद पीछे रह गया अब इस औरत का मसला बताइए ठीक है तोरे फासिद तो है अभी औरत का मसला बताइए ग्यारह दिन का मसला हल करें ग्यारह दिन खून आया ये ग्यारह दिन का मसला हल कीजिए सात दिन है इकतीस दिन तोरे फ सात दिन है चार दिन इसहाजा जी बताइए सात दिन मोतादा बिदम बेहतरीन जवाब दिया मौलाना अशफाक साहब सही जवाब इकतीस दिन तोरे फास सात दिन है चार दिन इसहाजा इकतीस दिन तोरे जी हाँ ये जवाब जो दिए जा रहे हैं आप चैट सेक्शन में पढ़ेंगे तो ये सही जवाब मौलाना महा साहब आपने हिसाब गलत लगाए इकतीस अच्छा और जवाब भी गलत लिखा है हजरत इकतीस दिन तोरे सही नहीं होगा ना दिन तोरे दिन फासिद है फास इसलिए फासिद आ गया दरमियान में दमे सवाल नहीं समझा सवाल सुना नहीं सही तरीके से तो ये सात दिन हैज़ है और चार दिन इस है ये बात समझ में आ गई आप लोगों को चने जी कोशिश होगी कि आज हम इसको पूरा पढ़ें हमारे नौ नौ मिनट रहेंगे सिर्फ घंटों मिनटों वाले सवाल अच्छा मोतादा बितोहर से ही इसके आम मसले नहीं होते इसके खास मसले होते हैं हम इसको कल पढ़ेंगे इनशाला मोतादा बित तोहरी सही जो है मोतादा बित तोहरी सही इसके खास मसाइल होते हैं और आमतौर पर पेश नहीं आते लेकिन पेश जब भी आएंगे हम उसका मसला पढ़ेंगे हम कल पढ़ेंगे इसको ठीक है जी आज हम ये तीसरी चीज पढ़ रहे हैं मोतादा बितुहरी वद्दम मोतादा बितुहरी वद्दम मोतादा बितुहरी वद्दम या मोतादा बिदम वोतादा मोतादा व तुहर या मोतादा बितरी वद्दम चले जी या मौतादा बदमी वाम तौर पर औरतें यही होती हैं औरत बच्ची बालेगा हुई बच्ची बालेगा हुई अच्छा जी आप तो छोटे छोटे बच्चों के मसाइल पढ़ो बच्चों के मसाइल नहीं हैं आप चूंकि हम सिफर से शुरू किया हुआ है तो इस वजह से हम उस पर आ रहे हैं एक झटके से जब आपको समझ में आएगी अः अच्छा ये मसला तो मेरा भी है ओह अच्छा ये मसला तो हमारे साथ भी अः ये मसला मेरी बीवी के साथ है ये मसला मेरे घर के साथ है तो आपको खुद ही समझ में आएगी कोई घबराने की बात नहीं है टेंशन नहीं लें कि भाई हम हम तो बच्चों वाले मसाइल बच्चों वाले मसाइल नहीं ये सारे आपके मसाइल हैं हम तो ज़रूर प्रैक्टिस तो डीमी चीज़ पर की जाती है ना प्रैक्टिस ऐसी तो नहीं होती एक बच्ची है उसको सात दिन खून आया फिर पाकी रही चौबीस दिन ठीक है उसके बाद इसको खून शुरू हो गया और मुस्तकिल जारी है ठीक है जी अभी आसान मसला मैंने आपको बताया अब हम इस औरत के लिए क्या करेंगे देखें सात दिन जो दम है दमे सही है दमे सही की मिसालों पे पूरा उतर रहा है कि तीन से दस दिन के दरम्यान हो नफाज चालीस दिन का हो ठीक है जी तो ये सात दिन का खून दमे सही है चौबीस दिन का तोहर कहीं से फसाद जुड़ नहीं रहा कहीं से फसाद नहीं जुड़ रहा लिहाजा ये तोहरे सही तो इस औरत की आदत मुकर होगी मोतादा ये औरत बन जाएगी ये मुबतद्या बन जाएगी मोतादा बिदम दम आ गया और मोतादा बिदमे व तोहर ये तोहर आ गया समझ रहे मेरी बात okay. आगे जब इस औरत का खून मुस्तकिल शुरू हो गया तो हम ये कहेंगे सात दिन हैज है चौबीस दिन इस्तेहाजा है और चौबीस दिन तोहर है ठीक है यानी तोहर का मतलब इस्तेहाजा है यानी सात दिन हैज चौबीस दिन अब इसका खून मुस्तकिल जारी है तो सात चौबीस की मोतादा बन जाएगी और मुस्तकिल सात चौबीस सात चौबीस सात चौबीस सात चौबीस चलेगा जब तक इसको आगे दमे सही या तोहरे सही नहीं आता ठीक है जी जब तक इसको दमे सही या तोहरे सही नहीं आता हम आख, उ, उसको भी छोड़ें चौबीस की तरतीब से चलेगा सात चौबीस की तरतीब से चलेगा समझ रहे जी ये खून इसका सात चौबीस की तरतीब से चलेगा सात चौबीस की तरतीब से हटेगा नहीं बात समझ में आ गई एक और मिसाल लें आखिरी पांच मिनट है हमारे पास एक और मिसाल लीजिए एक औरत को आठ दिन खून आया पंद्रह दिन तोहर रहा आठ दिन खून पंद्रह दिन तोहर रहा ठीक है उसके बाद दम जारी हो गया तो ये तोहर तोहरे ही है ये दम दमे से ही है तो ये पंद्रह आठ की मुतादा हो गई पंद्रह आठ की मतदा होगी तो इब्तिदा के आठ दिन हैज और पंद्रह दिन तोहर यानी इस्तेहाजा बात समझ में आ गई भाई एक और मिसाल लें एक औरत को चार दिन खून आया मुबतदिया बालिग हुई चार दिन उसको खून आया फिर बाईस दिन पाक रही पाक बाईस दिन पाक रहने के बाद खून जारी हो गया जब खून जारी हो गया तो हम इब्तिदा के चार दिन हैज के बनाएंगे और बकिया जितने बकिया बाईस दिन इस के बनाएंगे बाईस बाईस दिन तोहर है इस है और बाईस दिन गुजरने के बाद फिर चार दिन हैज और फिर बाईस दिन तोहर यानी ये वो सूरत है जब औरत का खून मुस्तकिल जारी है समझ में आ गई बात भाई सवाल हल करेंगे आप लोग सवाल हल करने को तैयार हैं भाई चले भाई सवाल कीजिए दिसंबर का महीना दिसंबर का महीना लड़की बालिग हुई एक तारीख से पांच दिन खून आया और छब्बीस दिन तोहरा ठीक छब्बीस दिन तोहरा और जनवरी फर्स्ट पहली जनवरी से खून जारी है इकतीस तक क्या हुक्म लगेगा भाई क्या हुक्म लगेगा पहली जनवरी से इकतीस जनवरी तक खून जारी है हुक्म बताइए पांच जनवरी तक हैज पांच जनवरी छोड़े तारीख छोड़े भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताइए कितने दिन खून कितने दिन तोहर कितने दिन हैज कितने दिन तोहर जी पांच दिन हैज छब्बीस दिन तोहर शाबाश सही जवाब दिया पांच दिन हैज छब्बीस दिन तोहर पांच दिन हैज पांच चब्ष पांच छब्बीस पांच छब्बीस ठीक है पांच छब्बीस यानी आपको वाजे हो गया ये औरत क्या बन गई मोतादा बि तोहरी वम मोहतादा बि तोहरी वम मौतादा बित्तोहरी वद्दम बन गई मौतादा बित्तोहरी वद्दम बन गई समझे मेरी बात तो ये मौतादा बित्तोहरी वद्दम बन गई ये मसला हो गया और ये आम तौर पर ख्वातीन मौतादा बित्तोहरी वद्दम होती हैं हम इस मसले को पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुल के पढ़ेंगे तफसील से पढ़ेंगे समझेंगे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे आज की क्लास समझ लें के ऊपर मबनी थी इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी हो लेकिन छब्बीस दिन के बाद खून जारी होगा तो फिर आगे है शुमार करेंगे जी हाँ देखिए मैंने आपको एक महीने के भी तरतीब बताई है ठीक है हम इस तरतीब को आगे मुस्तकिल बुनियादों परेंगे मुस्तकिल बुनियादों पर करेंगे और किस तरीके से करना है किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं मुझे आप दो मिनट का वक्त ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हम चार्ट बनाएंगे और हमारे से मुतालिक जो खतान है उनके हम चार्ट्स बनवाएंगे और उन चार्ट्स के अंदर हम इस तरतीब को समझेंगे सीखेंगे कि किस तरीके से इसको करना है और आप लोग इंशाल्लाह वो चार्ट हल करेंगे दो चार्ट आप लोग हल कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी औरत की आदत कैसे मुतिन करनी है और मामला किस तरीके से होने मगर आज का सबक यहीं तक है आज जो मैं असाइनमेंट दूंगा आज जो मैं सबक दूंगा वो इंतहाई अहम होगा उसको करना होगा जब आप लोग उसको करेंगे तो इनशाला आपको आप ये मजीद पुख्तगी आएगी और सवाल आप सही से हल कर सकेंगे ये ये चार्ट बनेंगे हमारे पास ठीक है ये चार्ट इस तरीके से बनेंगे कि औरत की आदत ये है ठीक औरत की आदत पच्चीस आठ की होगी पच्चीस 8 की आदत औरत की बन गई कैसे बन गई इस तरीके से बनी जिस तरीके से अभी हमने आदत बनाई है ठीक है जी औरत की आदत औरत की आदत जो बनी है औरत की आदत बनी है पच्चीस साठ कैसी आदत बनी है इस तरह आदत बनी है जो हमने पीछे जिक्र किया औरत की आदत छब्बीस छ बनी है किस तरह बनी है बिल्कुल इस तरीके से बनी है जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया जिस तरीके से अभी हमने समझा तो ये आदत इस तरीके से बनी है औ चार्ट नजर नहीं आ रहा मैं अभी दिखाता हूँ मैं समझ रहा हूँ कि चार्ट नजर आया जी अभी नजर आया आपको चार्ट मैंने अपने तौर पे खोल लिया उसको जी चार्ट नजर आ गया जी तो इस तरीके से हमारा चार्ट बनेगा हमारा वक्त पूरा हो गया और आ, मैं सबक का अख्तजाम करता हूँ माज अख्तामी कलेमा मैंने अभी तक कहे नहीं आ, आ, जी तो ये ये चार्ट जैसे पच्चीस आठ की आदत बनी औरत की ये आदत कैसे बनी है ये आदत ऐसी ही बनी है जैसे अभी हमने अभी हमने आदत बनाई जैसे औरत की आदत ये एक महीने में उसको पांच दिन खून आया और छब्बीस दिन उसकी तोहर रही आगे उसको मुस्तकिल खून जारी हो गया तो इसका कैसे मसला बनेगा इन शाह हम कल इसको पढ़ेंगे तफसील से पढ़ेंगे तसली से पढ़ेंगे लेकिन आज जो मैं आपको सवाल दूंगा वो सवालत आप लोगों ने हल करने है इनशाला कल हम ये मोतादा का काम मुकम्मल कर लेंगे और मोतादा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं किस किस तरीके से इब्तदाई काम मुकम्मल करेंगे फिर हमारा सारा मसला ही अः के मुतालिक है फिर मुस्ताजा मतदा के अंदर आएंगे तो वह आसान हो जाएगा तो कल का सबक परसों का सबक को तरसों ये तीन दिन जो सबक होंगे ये इंतहाई अहम होंगे आप हजरा से गुजारिश है कि वक्त पे तशरीफ लाएं सबक का अहतमाम करें कोई आपको चीज़ मिसिंग हो गई है सबक में सुन लीजिए रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए यूट्यूब लिंक भेज देता हूँ उसको सुन लीजिए और उसके साथ एक चीज और बड़ी अहम कि जो समझ में ना आए ना आप ग्रुप में सवाल करें समझ में ना आए आप मुझसे में सवाल करें समझ में ना आए आप खुद से प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मसला गड़बड़ रहेगा प्रैक्टिस करेंगे तो मसला इंशाल्लाह सही होगा आज जो हमने सबक पढ़ा है इसके मुतालिक मैं सवाल भेजूंगा आप हजरात कोई सवाल हल करने बाहर सूरत हल करने हल नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी परेशानी होगी